ओम शांति। आज है 22 मई 2021 के साकार महावाक्य। आज मीठे बाबा ने अंतिम समय है यह स्मृति दिलाते हुए कहा कि अपना तन मन धन मन वाणी कर्म सब ईश्वरीय सेवा में सफल करने की प्रेरणा देते हुए कहा, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उनकी धारणा क्यों नहीं होती है? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है, बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। कौन सा वायदा? कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल और मुझे याद करो। आज मुरली में गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसा योग सिखाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को यह अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डिटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। शिव बाबा ने सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले पहले यह सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित हैं, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक, मल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदल कर दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। जैसे जैसा समय और सेवा होती है, वैसे बाबा कहते हैं नए नए चित्र बनते जाते हैं। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ माम एकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेंगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। तुम गाते आए हो
और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़े हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन माल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए। सफल हो उनकी जो धनी शिव बाबा के नाम लगाए। अर्थक्वेक आदि होंगी, यह सब खलास हो जाएगा। कि एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती हैं, तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन, देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, यह किसी को पता नहीं है। इसलिए ऑर्फन अर्थात निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है, परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं हैं। उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी बिंदी हैं, सिर्फ पुनर्जन्म रहित हैं। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। कौन सा वर्षा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायः लोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता, ज्ञान से तो सदगति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सदगति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं, वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हो, चित्र बनाने वाले को यह बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया।
विकार है ही नहीं, फिर यह तुम क्यों पूछते हो? बच्चे कैसे पैदा होंगे? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसा होना होगा वैसे होगा। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, माम एकम याद करो। यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इसमें क्लियर कर लिखना है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में जाएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे, अर्थात सतयुग के आदि में आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं जाएंगे, यह भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर बेहद का वर्षा लो, जिसको पुकारते हो हे बाबा। उनका वास्तव में नाम ही शिव है, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप हैं, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः, परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माय नमः कहना है। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है, वह थोड़े ही कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठकर काले आयरनिस्ट बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? देह अभिमानी बहुत हैं, धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा जो जन्म जन्मांतर लेते आए हो, अब बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। सो अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाबा कह रहे हैं सो शब्द डालने से यह सिद्ध हो जाता है कि वही आत्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आदि सब में पुनर्जन्म लेते हुए अंत में संगम पर आती है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं 100 शब्द जरूर होना चाहिए कि वही आत्मा है। बाप समझाते तो सबको हैं, तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो, कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है, सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चिया कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, सबको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, यह वखर अर्थात ज्ञान का माल भी देती हैं, यह चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की बात ही नहीं, पवित्रता की ही मुख्य बात है, समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है, विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े, सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए, बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, उसमें पहला है बाबा बोले विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, यह कयामत का समय है इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा बाबा बोले देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है, देहभान जो पहला नंबर दुश्मन है उस पर विजय पानी है, और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज बाबा ने वरदान दिया मनसा शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण है वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, सर्व शक्तियां भरने का आधार बता रहे हैं, इसके लिए अंतर्मुखी बन इस पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं, उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं करती, उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।